हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी गाइडेंस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिलेंगे यूजुअली, या अगर हैं भी इक्का दुक्का तो वो डिफ़िकल्ट लेवल पे आएंगे, एक ऐसे लेवल पे जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर नॉर्मल कंपटीशन से आपको आगे निकलना है, अगर आपको कंपटीशन वाकई बीट करना है, तो आपको ये सारे इडियम्स और फ्रेजेस अच्छे से आने चाहिए, तभी आप जो है और लोगों से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और अपनी ड्रीम जॉब पा पाएंगे। तो इसीलिए ये सारा, ये जो 10-10 करके मैं करा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए और कलेक्शन को बनाए रखिए। धीरे धीरे करके इस कलेक्शन को बढ़ाते रहना है। इसी लिए मैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे आपको वीडियोस के फॉर्म में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आगे देता रहूँगा। और एक बार में इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ओवरबर्डन ना हो, आप धीरे धीरे करके जो है इसको याद कर पाएँ, बिल्डअप कर पाएँ अपनी वोकैबुलरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप, इससे पहले कि एक और चीज़, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको ये रिमाइंड करा दूं कि इसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव फोल्डर का। और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद जो है इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा उस गूगल ड्राइव फोल्डर में। तो आप उस गूगल ड्राइव फोल्डर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास रखने के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखें और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपको इनमें से कितनों के मीनिंग सही से आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग्स, निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो का मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, टू फ्रॉन, गुस्से से आप जब फ्रॉन करते हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर, तो आप जो है त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं, आपकी बहुएँ जो हैं गुस्से से चढ़ जाती हैं। आप कोई भी गुस्से में होता है तो मतलब उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निट वंस ब्रो कहते हैं। अब वो कब चढ़ती हैं, जब आप गुस्से की कंडीशन में होते हैं, गुस्से की मेंटल स्टेट में होते हैं। फिर है लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट, कोई व्यक्तिगत लाभ है, भौतिक लाभ है, आपको मनी के फॉर्म में कोई प्रॉफिट हो रहा है या लैंड या प्रॉपर्टी के फॉर्म में कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, लोव्स एंड फिशेस कहते हैं। लोव्स जो हैं ब्रेड की लोव्स होती हैं, ब्रेड की जो है टुकड़े को जो है क्या कहेंगे, लोव्स कहते हैं। तो लोव्स एंड फिशेस, तो बेसिकली जिन जगहों पे खाई जाती है मछली, लोव्स के साथ खाई जाती है, ब्रेड की लोव्स हो सकती हैं, किसी और चीज़ की, उसके साथ जो है मछली को खाया जाता है। तो रोज़ी रोटी से रिलेटेड लिटरल मीनिंग तो ये है, और वैसे इसका मीनिंग क्या आता है, मटीरियल बेनिफिट। फिर है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट का मतलब है अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। गला भर जाना, लंप इन द थ्रोट, लंप का मतलब ऐसे कोई गांठ से होता है लंप, तो गले में कोई गांठ लिटरल मीनिंग है। वैसे क्या है कि गला भर आना, वो कब होता है, जब आप किसी भावनात्मक कोई क्षण हो, इमोशनल कोई स्टेट ऐसी आ जाए, आपको पता चले कि कोई आपके घर में बहुत बीमार है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप जो है आपको आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और आपकी वजह से किसी अपने का आपका दिल दुख गया, तो यू फील अ लंप इन द थ्रोट, आपको गला भर आता है। या पॉजिटिव उसमें भी गला भर आता है कि आप देखें कि आपने मेहनत की, या किसी चीज़ में मेहनत की और उसमें जो है आपका जो है अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए और फिर आपको तारीफ़ मिले, तो लंप इन थ्रोट, या आपके किसी अपने की अच्छी परफॉर्मेंस हो किसी जगह पे,
स्टेज पे आपके बच्चा मतलब छोटे भाई की, आप थोड़ा और एजड हो जाएं तो आपके बच्चों की, तो लंप इन द थ्रोट उस सिचुएशन में भी आ जाता है। फिर है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर कहते हैं क्रेजी एंड इंसेन को, सिर फिरे इंसान को। मार्च, वैसे भी मैड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्च हेयर जो होता होगा, हेयर खरगोश जो है, हो सकता है ज़्यादा मार्च के अंदर रहता हो। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि खरगोश जो है मार्च के अंदर जो है पागल हो जाता है। तो ऐसे सिर फिरे इंसान को क्या कहते हैं, क्रेजी एंड इंसेन, उसको क्या कहते हैं, मैड एज अ मार्च हेयर कहते हैं। मेक अ हैश, मेक अ हैश का मतलब है टू मैस अप, गड़बड़ कर देना, हैश कर देना किसी चीज़ को। तो हैश का मतलब तो कुछ है नहीं है सच ख़राब कर देने से, लेकिन ये है कि टू मैस अप, मेक अ हैश, आप किसी चीज़ को बिगाड़ दें, गड़बड़ कर दें, तो यू जस्ट मेक अ हैश ऑफ इट। फिर है मेक और मार। मेक और मार का मतलब है टू मेक और डिस्ट्रॉय। तो इसमें मेक तो मेक ही रह रहा है, मार का मतलब जो है डिस्ट्रॉय कर देना, बनाना या बिगाड़ना, या तो बना दिया या बिगाड़ दिया। कोई ऐसी चीज़ है क्रिटिकल सिचुएशन में आप कोई सॉल्यूशन आया, या क्रिटिकल सिचुएशन थी किसी कंपनी के लिए और एक नए सीईओ को लेके आए, तो वो चेंज जो है इट कैन मेक और इट कैन मार, मेक और मार वाली सिचुएशन है। फिर है मदर विट। मदर विट का मतलब है कॉमन सेंस, जो आम जानकारी है, जो सबको पता हो, कॉमन सेंस हो, वो मदर विट है। समझ लीजिए, ऐसा समझिए, मदर विट का सेंस यही समझ में आएगा कि जो आप एक तरह से माँ के पेट से सीख के आते हैं। वैसे तो कॉमन सेंस भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन सेंसिकल होती हैं वो ऐसा नहीं है कि हम माँ के पेट से सीख के आते हैं, सीखते ही हैं। इंसान का बच्चा ऐसा होता है, दूसरे जानवरों के बच्चे उससे अलग इस सेंस में होता है कि इंसान का बच्चा जो है इस दुनिया में आके बहुत कुछ सीखता है। तो पूरी तरह से तो कोई चीज़ कॉमन सेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कॉमन सेंस तो है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि आग में अगर हमने हाथ डाला तो हमारा हाथ जल जाएगा, अगर हमने पानी के अंदर जो है छलांग लगा दी और हमें तैरना नहीं आता तो हम डूब जाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। फिर है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, गुड फीलिंग टूवर्ड्स अदर्स। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब है मानव, एक ऐसा दिल जो इंसानियत से भरा हुआ है, मानवता से भरा हृदय जो कि हर इंसान का होना चाहिए। तो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस जो है हर किसी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में जो है इंसान इतना मतलब परस्त है कि उसको जो है उसको अपने से ही मतलब है, दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम कर दिया लोगों ने, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम सब सफ़र करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो फिर कौन है जो दूसरों के बारे में सोचेगा, और कौन है जो हम सबके बारे में सोचेगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो अगर मैं जस्ट अपने बारे में सोच रहा हूँ तो इसका मतलब यही होगा कि अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अगर सब अपने बारे में सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर अपने बारे में सोचेगा, वो मुझे जो है ट्रीट करने में वो अपना पैसा देखेगा, अपना कन्वीनियंस देखेगा, वो सही से ट्रीट नहीं करेगा। टीचर जो है अपना फ़ायदा देखेगी, देखेगा तो फिर पूरा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, सब जो है बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और आ भी रही है। तो इसीलिए मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का होना बहुत ज़रूरी है। मेक हेड और टेल। मेक हेड और टेल का मतलब है अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। हेड और टेल समझ लीजिए, एक सिक्का के दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो अगर आपने हेड और टेल समझ लिया तो आपने सब चीज़ समझ ली। तो किसी सिचुएशन को समझने के लिए मेक हेड और टेल कर दिया, यानी कि चीज़ को समझ लिया। फिर है 9 डेज वंडर।
9 days wonder का मतलब है समथिंग दैट अरोजेज इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एक ऐसी चीज़ जो कि कुछ टाइम के लिए जो है इंटरेस्ट जगाए लेकिन बहुत ही छोटे टाइम के लिए, 3 दिन 5 दिन, ऐसे समझ लीजिए सिंपली जो हिंदी में कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो किसी सिचुएशन में कि बहुत किसी को शोहरत मिल जाए कुछ टाइम की, कुछ दिन की किसी वजह से, किसी कोई ऐसी चीज़ कर दी या बहुत नाम हो गया और वो समझने लगे अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत हाई फाई दिमाग लगाने लगे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि वो कोई वन वन टाइम कुछ टाइम का मामला था। तो उसके बाद जो है आपने देखा भी होगा मीडिया कभी कभी हीरो बना देती है कुछ लोगों को और फिर वो कुछ टाइम बाद कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं मीडिया कवरेज से। तो वो 9 डेज वंडर ऐसी ही कोई चीज़ कहलाएगी। जैसे मुझे याद है लास्ट है हो गया ये, आपने लड़का अगर आपको याद हो उस आपको याद होगा वो लड़का शायद जो बोरवेल में गिरा था, प्रिंस नाम था उसका अगर मुझे सही से याद है तो उसके बारे में साहब पूरा देश जो है उसके लिए दुआ कर रहा था, वो उसके लिए कितना फोर्स लगी और वो सब कुछ आर्मी यूनिट्स भी बुला ली थी, सब कुछ हुआ और उसको बचा भी लिया और फिर कई जगहों से उसके लिए जो है वो मतलब मुआवजा और वो कंपनसेशन लोगों ने पैसा दिया, सब कुछ किया। उसके बाद कई साल बाद फिर एक न्यूज़ चैनल ने उसको फॉलो अप रिपोर्ट की तो पता चला कि वो कुछ टाइम का उस टाइम तो बहुत मशहूर हो गया और वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जो है फिर बहुत ट्रैजिक उसकी लाइफ रही, उसकी फैमिली की सब कुछ। तो 9 डेज वंडर पे वो मुझे वो एग्जांपल याद आता है। तो इसी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप जब भी करें तो एग्जांपल्स अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, एग्जांपल्स से रिलेट करने की कोशिश करिए। भले ही इंग्लिश में सेंटेंस ना बनाइए, उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में लिखिए या कोई और आपकी लैंग्वेज है, बंगाली है या कोई और लैंग्वेज है, उसमें आप अपना एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्रिंस का केस जो है, प्रिंस के बारे में मीडिया ने बहुत कुछ लिखा लेकिन वो 9 डेज वंडर ही रहा, तो ये भी लिख दिया अगर मैंने सेंटेंस, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी है समझने के लिए, याद रखने के लिए। क्योंकि अगेन जितनी आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ से रिलेटेड होती है आपके पास, उतना ज़्यादा आसान उस चीज़ को याद रखना होता है। बस हाँ, उसको एक लिमिट तक ही ज़्यादा नॉलेज करनी चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तैयारी का एक लिमिटेड मंथ ही है आपके पास, नंबर ऑफ़ आवर्स लिमिटेड है, तो इस वजह से अदरवाइज आपके पास जितनी नॉलेज होगी किसी चीज़ से रिलेटेड उतना आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।